शिक्षा संसदीय कार्य व कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उपायुक्त कार्यालय मंडी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ सीखने के प्रति फल पर तथा राष्ट्रीय अवलोकन सर्वेक्षण NAS पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लर्निंग आउटकम विषय पर प्रदेश के सभी स्कूलों में हैंड रिटन कक्षा व विषयवार लर्निंग आउटकम के चार्ट लगा दिए गए हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसी आधार पर पूरी की जा रही है। सीखने के प्रति फल सुनिश्चित करने हेतु अध्यापकों को टीचर ऐप का प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और सरल हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय अवलोकन सर्वेक्षण NAS में चर्चा करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में करवाए जाने वाले सर्वे में बेहतर परिणाम आने की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में पांचवी व आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा आयोजित करने का भी निर्णय लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में CCTV कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं तथा परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण हेतु 3-स्तरीय उड़ान दस्ते भी तैनात किए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राजकीय स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने की 5 से 25 हज़ार रुपए तक की राशि तथा सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थिति को सुधारने के लिए भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत इतनी ही राशि मुहैया करवाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में सत्र के आरंभ होते ही NCERT पाठ्यक्रम की पुस्तकें पहुंचा दी जाएंगी तथा निजी स्कूलों को भी इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा, उप निदेशक उच्च शिक्षा अशोक शर्मा, जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान बलवीर भारद्वाज, जिला योजना सेवक नरेश शर्मा तथा संजय चंदेल भी उपस्थित रहे। और जो डिटेंशन पॉलिसी है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में अभी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट भी की है और केंद्र के द्वारा सभी विद्यालयों को लाइब्रेरी बनाने हेतु पैसा दिया गया है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स किट्स खरीदने के लिए भी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसा दिया गया है। इस विषय में बैठक में चर्चा हुई है और बैठक में परीक्षाएं जो अभी 8वीं की 10वीं की या 12वीं की हो रही हैं, उस पर भी कुछ निर्देश जो हैं वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री की ओर से प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने इस दिशा में पहले ही निर्देश दे दिए हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों में 100% CCTV कैमरास जो हैं वो लगाए गए हैं। कॉपिंग हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ज़्यादा उत्साहित में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी